नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 जनवरी यानी आज से दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ की शुरुआत हो गई है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में 13 साल बाद टेस्ट सीरीज़ खेल रही है। दोनों टीमों के बीच आखिरी बार अक्टूबर 2007 में पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेला गया था। पाकिस्तान की टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज हार कर आ रही है, तो वही दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में अपने घर में श्रीलंका को 2-0 से हराया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में अच्छा करना चाहेंगे। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाली सीरीज ICC टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही है। पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11: अबिद अली, इमरान भट्ट, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, नवान अली, हसन अली, यासिर शाह और शहीन शाह अफरीदी। दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11: डीन एल्गर, एडेन मार्करम, फाफ डुप्लेसिस, क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बौमा, केशव महाराज, वियान मुल्डर, रसी वैन डर डुसेन, एंड्रिक नॉर्जे, कगिसो रबाडा और तबरेज शमसी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है? आपका विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।